मैं बहुत हैरान हुआ जब हमने ओवरसीज ब्लॉग शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 22 दिनों में हमारे ऑलमोस्ट प्लाट फ्रोहत हो चुके हैं। उसकी एक ही रीजन थी कि इसमें हमने प्लाट नंबर गली नंबर वो मौका दिखा कि आप लोगों को प्लाट बेचे हैं। मैं रेट आपको बता देता हूँ। जमन वैली में इंस्टॉलमेंट वाला जो प्लाट है वो 27.5 लाख रुपए का मिल जाता है, जिसमें 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट है और कैश के ऊपर आपको 22 लाख से लेके 35 लाख तक 5 मरले का कब्जा प्लाट मिल जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन। और कमर्शियल प्लाट आपको 7 लाख पर मरला से लेके 14-15 लाख पर मरला तक कमर्शियल प्लाट मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ट्रैकर के प्लेटफॉर्म से मैं चौधरी फैसल फयाज। अगर हमने कोई भी चीज परचेज करनी हो तो हम वहां हजूम देखते हैं। अगर हमने कहीं खाना खाना हो तो उस रेस्टोरेंट के बाहर हम हजूम देखते हैं। गाड़ियां देखते हैं कि कितनी गाड़ियां उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हैं। हो सकता है गाड़ियां उनकी अपनी ही क्यों ना खड़ी हो। एक चीज आपने नोट की होगी कि कभी आपने रिक्शा में सफर किया हो तो रिक्शा वालों ने खुद ही अपने 4-5 लड़के उस रिक्शा में बिठाए होते हैं। सिर्फ एक सवारी की गुंजाइश होती है और जो ही आप बैठते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो लड़के उतरना शुरू हो जाते हैं, तो एट एंड आप अकेले ही रह जाते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी में भी यही सिस्टम है कि हम देखते हैं कि किस सोसाइटी में हजूम है, कि दुनिया किस सोसाइटी की तरफ जा रही है। हो सकता है उस सोसाइटी में आपको नुकसान ही होना हो सकता है उस सोसाइटी में सारा फेक लोग हों। इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता 3-4 साल में जितनी भी डेथ सोसाइटी थी उन सबको हम लोगों ने, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर सर्च करके दरादर लोगों ने फाइल ली। लेकिन एट दी एंड हुआ क्या कि 3-4-5 साल गुजरने के बाद ना वो प्लाट आपका फरोख्त होता है। प्लाट फरोख्त होना तो दूर की बात है कि आपका मौके के ऊपर प्लाट भी मौजूद नहीं होता। ये सब कुछ मुमकिन हुआ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से। जितनी भी 2 नंबर सोसाइटी थी उन्होंने सब डीलर्स को अजाफी पैसा दे के अजाफी एडवर्टाइजमेंट करवा के जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं, जितनी भी ये सेलिब्रिटीज हैं उन्हें पैसा दे के अपनी सोसाइटी की एडवर्टाइजमेंट करवा के तो हम आप लोगों को फेक फाइलें फेक सोसाइटियाँ फरोख्त की। जमन वैली की अगर मैं बात करूँ तो 2021-22 में यूट्यूब के ऊपर यहाँ ट्राई ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हम थे, यहाँ 2 दिन हमारे और दोस्त हैं यूट्यूब के ऊपर जमन वैली की वीडियोज बनाते थे। क्योंकि जमन वैली टोटली एंड यूजर के हाथ में ये सोसाइटी है। जमन वैली में वही बंदा प्लाट परचेज करने के लिए आता है कि जिसने घर बनाना हो। जमन वैली में जितने भी प्लाट या घर बने हुए हैं ये वही लोग हैं जो एंड यूजर हैं, जिनकी फैमिली जमन वैली में रहती हैं। हर बंदे का जमन वैली की तरफ रुझान क्यों है? ज्यादातर यूट्यूबर अभी जमन वैली की वीडियोस क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोग गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर करके थक चुके हैं। अभी लोग वो चीज परचेज करते हैं जो लोगों की आंखों के सामने है। मैं बहुत हैरान हुआ जब हमने ओवरसीज व्लॉग शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 22 दिनों में हमारे ऑलमोस्ट प्लाट फरोख्त हो चुके हैं। उसकी एक ही रीजन थी कि इसमें हमने प्लाट नंबर गली नंबर वो मौका दिखा कि आप लोगों को प्लाट बेचे हैं। क्योंकि लोग हवाई फाइलें लेके लोग थक चुके हैं। आज से 4-5 साल पहले हमने जिन लोगों को 6 लाख का प्लाट फरोख किया था वही प्लाट इस टाइम 35-40 लाख रुपए का है। ये मुमकिन इसलिए हुआ, एक तो जमन वैली की लोकेशन है, दूसरा ये जितने भी प्लाट जमन वैली पहले दिन से अभी तक फरोख्त करती है इंस्टॉलमेंट वाले वो सारे मौके के ऊपर मौजूद होते हैं। इसलिए मकसद लोगों को कहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट पर नहीं जाना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाना चाहिए। कोको कोला की बड़ी एडवर्टाइजमेंट है लेकिन किसी आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि पेप्सी या कोको कोला पीना चाहिए। लेकिन एडवर्टाइजमेंट की वजह से हर बंदा ही अट्रैक्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट देख के अंधा हो के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अगर हमने फ्रिज लेनी हो हम कई शोरूम घूमते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है आप फिजिकली आके वो जगह देखा करें, फिजिकली विजिट किया करें। क्योंकि मैंने अक्सर ओवरसीज को देखा है कि इंस्टॉलमेंट वाली जितनी भी सोसाइटीज होती है उसमें मैक्सिमम ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट होती है। और ओवरसीज बंदा जो मजदूरी करता है दुबई या सऊदी अरब में वो मैक्सिमम पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख पर मंथ कमाता है। और उनके साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए फेक चीज़ों के ऊपर इतमाद ना किया करें, फिजिकली साइट का विजिट किया करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। समर वैली के अंदर अगर आप इंस्टॉलमेंट वाले प्लाट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कैश वाले प्लाट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कमर्शियल प्लाट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं रेट आपको बता देता हूँ। जमन वैली में इंस्टॉलमेंट वाला जो प्लाट है वो 27.5 लाख रुपए का मिल जाता है, जिसमें 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट है
और कैश के ऊपर आपको 22 लाख से लेके 35 लाख तक 5 मरले का कब्जा प्लाट मिल जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन। और कमर्शियल प्लाट आपको 7 लाख पर मरला से लेके 14-15 लाख पर मरला तक कमर्शियल प्लाट मिल जाता है जमर वैली के अंदर ही। ट्राइका ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हमारा ऑफिस मौजूद है, दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप साइट के विजिट कर सकते हैं। जजाकअल्लाह खैर।